राजधानी लखनऊ में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब अचानक सैकड़ों की संख्या में अराजक और असामाजिक तत्वों ने पुलिस फोर्स पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस और जनता कुछ समझ पाती इससे पहले उपद्रवियों ने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। पुलिस ने दंगाइयों को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन दंगाई मानने को तैयार नहीं रहे। इससे आम जनता को भी काफी परेशानी उठानी पड़ी। इन सब से निपटने के लिए पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन मशीन का इस्तेमाल किया। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतना सब कुछ हो गया तो किसी को कोई खबर कैसे नहीं हुई? तो इसका जवाब है कि ये पूरा घटनाक्रम महज एक मॉक ड्रिल था। इसका फिलहाल वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। दरअसल मंगलवार को लखनऊ के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोरा के नेतृत्व और कुशल निर्देशन में लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर दंगा नियंत्रण योजना के तहत दंगे की स्थिति पर तत्काल काबू पाने के लिए कमिश्नरेट लखनऊ के सभी जोन्स में पुलिस की कई टीमों ने मिलकर मॉक ड्रिल की। इस दौरान जेसीपी नवीन अरोरा ने खुद खदरा, हसनगंज और परिवर्तन चौक पर मौजूद रहकर संबंधित पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लखनऊ में कमिश्नरेट जब से आया, हम लोग लगातार दंगों पर नियंत्रण रखने की अपनी कवायद जारी रखे हुए हैं। इसी क्रम में हर जिले की एक दंगा नियंत्रण योजना होती है, वो यहाँ पे बहुत सिस्टमेटिक तरीके से नहीं बनी हुई है। बहुत समय से यहाँ सेक्टर और जोनल स्कीम बनी है जिसके माध्यम से विभिन्न समय काल के दंगे नियंत्रित किए जा रहे हैं। दंगा नियंत्रण योजना एक बहुत ही विस्तृत डॉक्यूमेंट है और उसमें कई पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। उसको हम लोग कई फेज़ में मीटिंग्स करके बना के रिहर्सल करके देख रहे हैं और जल्दी इस स्कीम को हम फाइनलाइज करेंगे। इसमें हम 3-4 रिहर्सल्स करेंगे कि जब तक हमारी जो कमियां हैं उसको हम दूर ना कर लें। इस योजना के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। पहला एक अलर्ट स्टेज होती है, फिर येलो स्टेज होती है और फिर रेड स्टेज आती है। अलर्ट स्टेज में आपको एक जनरल सा इंप्रेशन होता है कि कहीं और दूसरी जगहों पर कोई दंगा भड़क रहा है, तो आप अपने आप को जनरल अलर्ट पर रखते हैं। येलो स्टेज वो होती है जहाँ पे आपको लगता है कि अब दंगा भड़कने के बिल्कुल चांसेस हैं, तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, बहुत से इंडिकेशंस मिलने शुरू हो जाते हैं, उसमें हम येलो स्टेज में अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। और रेड स्टेज उसको मानी जाती है जब दंगा हो जाता है। ऐसे समय में कोई भी एक स्थान चयनित होता है जहाँ दंगा होता है, वहाँ कैसे फोर्स का मोबिलाइजेशन होगा वो एक ड्रिल रिहर्स की जाती है। इसमें बहुत से उसके आस्पेक्ट हैं, जैसे सबसे पहले जनशक्ति देखी जाती है कि हमारे पास क्या मैन पावर अवेलेबल है। तो आज हम जो ये कर रहे हैं रिहर्सल, वो जोन वाइज कर रहे हैं। हर जोन में एक एक स्थान चयनित किया गया है। जैसे यहाँ हसनगंज है, सेंट्रल जोन में परिवर्तन चौक है, वेस्ट में मेफेयर तिराहा है और साउथ में मोहनलालगंज के पास गोसाईगंज मोड़ है, ईस्ट में मलेशिया मऊ चौकी के क्षेत्र में है। इन जगहों में हम ये मान के चल रहे, एक सिनेरियो दिया है कि यहाँ अगर दंगा हो गया तो क्या क्या करना है। तो सबसे पहले मैन पावर देखा जाता है। मैन पावर में सभी मैन पावर, चाहे वो सिविल पुलिस का हो, आर्म पुलिस का हो, पीएसी हो, वायरलेस स्टाफ, एलआईयू स्टाफ और हमारे जो एडिशनल स्टाफ है मैन पावर प्लस होम गार्ड, पीआरडी जवान, सब मैन पावर का एनालिसिस होता है। फिर पुलिस लाइन का मैन पावर देखा जाता है। कुछ जगहों पर रिजर्व्स बनाए जाते हैं और बाकी लोगों को विभिन्न स्थानों पर डिप्लॉय किया जाता है। इसके बाद संसाधन देखे जाते हैं कि हमारे पास वाहन कितने हैं, दोपहिया वाहन कितने हैं, चार पहिया वाहन कितने हैं, पॉलीगॉन मोबाइल, पीआरवी मोबाइल कौन कौन सी हैं, थाने की 1 और 2 मोबाइल, अधिकारियों की मोबाइल, और फिर पुलिस लाइन से जो और व्हीकल्स होती हैं जैसे प्रिजन वैन है, टाटा 407, 207, बसेस हैं, ट्रक हैं, कहाँ कहाँ किनका उपयोग हुआ, उनका एक मैसिव डिप्लॉयमेंट प्लान बनता है। पीएसी का पूरा डिप्लॉयमेंट प्लान बनता है, कहाँ कहाँ किस किस जगहों पर कितनी पीएसी रखी जाएगी। इसके साथ ही फायर सर्विस की गाड़ियां कहां प्लेस होंगी, फोर व्हीलर्स कहां होंगी उनकी प्लेस, जो फायर टेंडर्स हैं, टू व्हीलर्स कहां प्लेस होंगी और किन जगहों पे हमको गाड़ियों में फायर एक्सटिंग्विशर देके भेजना है जहां आगजनी होने की संभावनाएं होती हैं। एम्बुलेंसेस कहां कहां प्लेस होंगी, सीएमओ से बात होती है। आज हम लोगों ने सिर्फ सूचना दी और अपनी गाड़ियों को ही एम्बुलेंस मान के हम ये रिहर्सल कर रहे हैं। ओरिजिनल रिहर्सल जब हम फाइनल रिहर्सल्स करेंगे उसमें सभी डिपार्टमेंट शामिल होंगे। इसके बाद हमारी वेपनरी क्या है, हमारे पास कौन कौन से वेपन्स हैं, कितने कारतूस हैं, इसका हम एक बायो डेटा पूरा अपने पास रखते हैं और ये डेटा हम ऑलरेडी रिहर्स करके रख चुके हैं। इसके साथ दंगा नियंत्रण उपकरणों की क्या स्थिति है, कितने दंगा नियंत्रण उपकरण हम प्रयोग कर सकते हैं, टीयर गैस स्क्वाड क्या है, तो जो हमारे संसाधन है, हमारी शक्ति है, उसका हम एक विस्तृत एनालिसिस करते हैं और उसके आधार पर अपनी योजनाएँ बनाते हैं, अलग अलग टीमें बनाते हैं। जैसे जो दंगा से निपटेगी वो दंगा की टीम हो गई, कोई रेस्क्यू टीम होगी, कोई आपकी रिकवरी टीम होगी, कोई फॉलोअप टीम होगी, कोई उसको भेजने के लिए उनकी सपोर्ट टीम होगी। तो अलग अलग टीमों के नाम हैं, मैं टेक्निकल नाम नहीं बता रहा हूँ आपको, उनके काम के हिसाब से बता रहा हूँ।
इन टीमों के मदद से हम वहाँ पर जो अपनी गतिविधियाँ हैं उनको संचालित करते हैं। फिर बहुत बड़ा एक इसका एस्पेक्ट है ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान, अगर कहीं इस तरह से रॉयट हो गया तो कहाँ कहाँ से गाड़ियाँ मोबाइल होंगी, किस रूट से उनको चलाना पड़ेगा ताकि वो तोड़फोड़ की जद में ना आए, आगजनी से बचने के लिए हमारे अपने प्रयास होते हैं। तो ट्रैफिक का भी वायरलेस के हमारे पास कितने स्टैटिक सेट हैं, कितने हैंडसेट्स हैं, किन बैरियर्स पे हमको ड्यूटी लगानी है, कहाँ कहाँ हैंडसेट देने हैं, कई रूफटॉप ड्यूटी लगती हैं जो दूर से ऊपर से नज़र रख सकें, वहाँ पे वायरलेस सेट के साथ बाइनाकुलर दिए जाते हैं, छोटे वेपन दिए जा सकते हैं। तो एक एग्जॉस्टिव प्लान पूरा बनता है। इसके बाद विभिन्न विभागों से इसमें समन्वय की बात आती है, जैसे प्रशासन है और फायर सर्विस के साथ एम्बुलेंसेज हैं, अगर कोई बड़ा दंगा चला या लंबे समय तक चला तो रोडवेज इन्वॉल्व हो जाता है, रेलवेज इन्वॉल्व हो जाती हैं, RPF इन्वॉल्व हो जाती है, उनके साथ हमें किस किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है, फॉरेस्ट आ सकता है अगर कुछ इस तरह की चीज़ें हों, तो वो विभिन्न विभागों से कोऑर्डिनेशन की स्कीम बनती है। फिर कई कंट्रोल्स बनाए जाते हैं, जोनल कंट्रोल होता है, सेक्टर कंट्रोल होता है, वो सब कंट्रोल जो DCP का ऑफिस है वो जोनल कंट्रोल माना गया है, ADCP का ऑफिस सब जोनल कंट्रोल है, ACPs के अपने ऑफिस सेक्टर कंट्रोल्स बनाए गए हैं, वहाँ से हम अपनी गतिविधियों को ऑपरेट कर रहे हैं। तो इनका और फिर उस दंगे को नियंत्रित करना, सबसे पहले दंगा हो गया उसको रोकना, कैसे कैसे लोगों को इवैक्यूएट करना है, कैसे जो दंगों में घायल है उनको हॉस्पिटल पहुंचाना है, यदि कोई कैजुअल्टी हो गई है कैसे उसको वहाँ से शिफ्ट करना है, उसके पोस्टमार्टम की क्या व्यवस्था करनी है, दंगाइयों को अरेस्टिंग भी करनी है साथ साथ, जैसे कुछ प्रतीक के रूप में कुछ दंगाई यहाँ लाए गए हैं उनकी अरेस्टिंग दिखाई गई है। तो ऐसे अलग अलग उस समय कई काम एक साथ होते हैं। ये है कि अचानक पुलिस के सामने कोई स्थिति आ जाए तो ये ना हो कि हम अनअवेयर हैं कि अब क्या करें कैसे करें, तो इसी के लिए एक विस्तृत दंगा नियंत्रण योजना बनाई जा रही है और मुझे उम्मीद है कि इस महीने के अंत में या मार्च के शुरू में हम इसको प्रॉपरली प्लेस कर लेंगे और ये जो जोनल रिहर्सल्स हैं ये होती रहेंगी और एक कमिश्नरेट की भी फुल फ्लेज्ड रिहर्सल्स हम करेंगे। सर आमतौर पर देखा जाए कई ऐसे दंगे भी होते हैं, ऐसी सिचुएशन में कई ऐसे पुलिसकर्मी होते हैं जो वेपन सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते ट्रेनिंग की वजह से, ट्रेनिंग में कमी की वजह से, उसको लेकर भी क्या लोगों को जो पुलिसकर्मी हैं उनको? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने देखा होगा पिछले साल हम लोगों ने पुलिस लाइन्स में कई लोगों की रिहर्सल्स कराई थी, जो नए लड़के थे जिनको दंगा नियंत्रण योजना के स्कीम्स नहीं पता थी वो रिहर्सल कराई थी, और उस स्कीम के कई पार्ट होते हैं, हम सीधा बल प्रयोग नहीं करते हैं कभी भी, हम पहले एक इंटेलिजेंस कलेक्शन करते हैं, माइनर वहाँ के बारे में जानकारियाँ करते हैं, सिविल पुलिस को भेजते हैं, फिर माउंटेड पुलिस जाती है, फायर सर्विस जाती है, इसके बाद मतलब वाटर टेंडर्स जाते हैं, इसके बाद फिर लाठी टीम जाती है, अश्रु गैस टीम जाती है, तब जाके कहीं फायरिंग टीम जाती है। तो अगर हम वो रिहर्सल उनके मन में बैठा देंगे तो कभी भी ज़्यादा बल प्रयोग होने की जो शिकायतें होती है वो नहीं होंगी और हम सही तरीके से दंगे को नियंत्रित कर सकेंगे। आज इस रिहर्सल में पांचों जोन की सभी टीमें शामिल हैं और आपको मैं बताऊं 6,000 से 7,000 लोग आज इस रिहर्सल में शामिल हैं अपने अपने थाना क्षेत्र में, सभी विभाग मिला के, पुलिस के सभी ब्रांचेज मिला के। तो हम इसको जल्दी करते रहेंगे और जल्दी एक फाइनल स्कीम लेके आएंगे। हर खबर पर होगी आपकी पकड़, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।